नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश में मौसम का मिजाज बदला है। भीषण गर्मी के बाद अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारत समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में बारिश की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया हुआ है। यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी बादल बरसेंगे, तो वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और एक दो स्थानों पर ओले गिरने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम, मेघालय और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल और केरल में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। इस वजह से IMD ने उत्तराखंड और केरल में येलो अलर्ट और हिमाचल के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण केरल में 14 मई तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इसलिए विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। उत्तरी भारत समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस सप्ताह भी मौसम राहत भरा रहेगा। तापमान सामान्य से नीचा रहेगा, जबकि धूल भरी आंधी के भी आसार बने रहेंगे। हालांकि अगले सप्ताह से गर्मी अपना रंग दिखा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।